जोधपूर येथे कन्हैया कुमार याची गळा चिरून निर्गुण हत्या करण्यात आली होती. याचं सावट संपूर्ण भारतभर पसरले असून विविध ठिकाणी याचा विरोध करण्यात येत आहे. कामठीत देखील विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल हिंदू संघटनेकडून कामठी येथील जयस्तंभ चौकात निषेध व्यक्त करण्यात आलाय. तालिबानी विचार धारण करणाऱ्यांविरोधात नारेबाजी करत कन्हैया कुमार याची हत्या करणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी हिंदू संघटनांकडून करण्यात आली. तर यावेळेला मोठ्या संख्येने हिंदू विश्व परिषद व बजरंग दल व हिंदू संघटनेचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. उदयपुर की घटनाओं को लेकर पूरा देश शोक में वातावरण का रोष का वातावरण फैला हुआ है. जिस प्रकार से देश में विघटनकारी जो शक्तियां हैं दिन पे दिन उनका माप बढ़ते जा रहा है. उनको जिस प्रकार से श्यामलाल जी की हत्या की है, जो कपड़े का नाप देते हुए उन्हें जिस प्रकार से उन्होंने वीडियो बनाकर जो हत्या की गई उसका हम निषेध करते हैं. और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब के विषय में जो बोला उसके लिए निषेध करते हैं. और सभी हिंदू समाज की ओर से कड़ी फांसी होना चाहिए. इससे भी कोई बड़ी सजा हो जिससे उनको उनके परिवार या उनके आने वाले जो समय का जो साथे हैं विघटनकारी शक्तियाँ उनको देख के उनके रोंगटे खड़े हो कि ऐसा दोबारा वो करने तो छोड़ो, मतलब वो सोचने पे भी मजबूर हो जाए. आज पूरा हिंदू समाज खड़ा है. आज बारिश के वजह से आने वाले समय में आज इससे ज़्यादा भी हमको जो हमारी हिंदू संगठन के माध्यम से बजरंग दल के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद हिंदू जागरण के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे को जब मीटिंग के बारे में और जिस प्रकार से आप आगाह करेंगे जिस प्रकार उनका सूचना देंगे उसको हम अपने धन बल के साथ में आपके साथ उपस्थित खड़े रह के हिंदू समाज की जागरूकता को और इसे निषेध करने के लिए हम तन मन धन से आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे. हम यही चाहते हैं कि उनको फांसी हो और कड़ी से कड़ी सजा हो. और मोदी जी को जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से करने का जो ये किया है आघात किया है तो हम इससे कड़ी. उदयपुर में जो घटना घटी कन्हैयालाल जी जो थे हमारे हिंदू भाई उनकी जो निर्मम हत्या की गई उसके चलते हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए एकत्रित हुए हैं. और जो जिहादी मानसिकता के लोगों ने ये कार्य को अंजाम दिया है हम देश की सरकार से महामहिम राष्ट्रपति से ये प्रार्थना करेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. और जिस प्रकार उन्होंने पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी इनको भी जो धमकी दी है हम इस बात से बहुत ही ज़्यादा यानी उग्र रूप से इस बात का विरोध करते हैं, तीव्र विरोध करते हैं कि एक साधारण जो देश के गद्दार लोग हैं वो इस प्रकार का हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी इनके लिए ऐसे शब्द का वापर करते हैं कि हम उनका कत्ल कर देंगे और उनका तन से धड़ जुदा कर देंगे, सर जुदा कर देंगे. तो ऐसे लोगों की हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा देकर एक सबक दी जाए, उन पे कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए. यही हमारी मांग है और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.